सिक्योरिटी गार्ड की सीरा ट्रेनिंग में क्या पढ़ाया जाता है? सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग 5 दिन की होती है, जिसमें तकरीबन 17 ऐसे टॉपिक्स या मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं। हर दिन में 3 से 4 मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल और रिटन टेस्ट होता है। मैं आपके साथ इस वीडियो में सिर्फ वो टॉपिक्स या वो मॉड्यूल्स शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें तो बाद में मैं उस पर डिटेल वीडियो बना सकता हूँ और आपको उर्दू में आसानी से उसको समझा सकता हूँ कि जो आप 5 दिन में सीख सकते हो, मैं उसको कोशिश करूंगा कि 10-10 मिनट की वीडियो में उसको कंप्लीट करूं। सबसे पहले समझे कि 4 से 5 यूनिट होते हैं। आप इसको डिवाइड करो यूनिट्स को डेज पे कि 5 दिन होते हैं, इन 5 दिन में आपको कितने मॉड्यूल्स या कितने टॉपिक सिखाए जाते हैं। मॉड्यूल्स नंबर 1, फर्स्ट डे पे जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं उसमें सबसे जो बेसिक टॉपिक है वो है ओवरव्यू एंड पर्पस ऑफ द सिक्योरिटी इंडस्ट्री, जिसमें सिक्योरिटी रिस्क से रिलेटेड ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, क्वालिटीज ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल रूम, इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। मॉड्यूल नंबर 2, इमरजेंसी सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, जिसमें आपको फायर अलार्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलार्म्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जब फायर अलार्म एक्टिवेट होता है और आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है इमरजेंसीज में। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ये भी पढ़ाया जाता है इस मॉड्यूल में। मॉड्यूल नंबर 3, एविडेंस एंड क्राइम सीन प्रिजर्वेशन, जिसमें सिविल और क्रिमिनल लॉ के बारे में बताया जाता है, डिटेंशन और अरेस्ट सिक्योरिटी कर सकता है नहीं कर सकता, एविडेंस को आपने कैसे सेव करना होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम सीन, ये सारे टॉपिक्स इस मॉड्यूल में सिखाए जाते हैं। फिर हम मूव करते हैं डे 2 पे या यूनिट 2 पे, जिसमें 3 मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं। मॉड्यूल नंबर 4, इफेक्टिव पेट्रोलिंग, जिसमें पेट्रोलिंग की इंट्रोडक्शन होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट्रोलिंग क्या होती है, पेट्रोलिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या एक्शन रिक्वायर्ड होता है पेट्रोलिंग से पहले, सिक्योरिटी गार्ड के पास कौन सी इक्विपमेंट होनी चाहिए, आपने इंसिडेंट रिस्पॉन्ड कैसे करना होता है। मॉड्यूल नंबर 5, एक्सेस कंट्रोल, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल होता है, इसके टॉपिक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक्सेस कंट्रोल से आपको डिटेल में बताया जाता है कौन कौन से टाइप्स हैं एक्सेस कंट्रोल के, पर्पस और मेथड क्या होता है एक्सेस कंट्रोल का, विजिटर कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर को कैसे हैंडल करना होता है और अनऑथराइज्ड पर्सन को कैसे डील करना होता है। मॉड्यूल नंबर 6, सर्चिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्चिंग होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च होती है कि आपने किस तरह सर्च करना है बॉडी को या कार को, फिर इसमें पर्सनल सर्च भी आता है, व्हीकल सर्च भी आता है, और अगर कोई रिफ्यूज करता है सर्च को तो उसके साथ कैसे डील करना होता है। यूनिट नंबर 3, इसमें भी 3 मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल नंबर 7, रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, कि कौन से काम ऐसे होते हैं जिससे हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड हमको सिक्योरिटी को अवेयर रहना चाहिए, अगर कोई एम्प्लॉय आता है तो उसकी सेफ्टी के बारे में बड़ा ध्यान से सोचा जाता है, उसकी रिस्क असेसमेंट होती है कि जो काम हो रहा है उस टाइम पे आप ड्यूटी पे हो, जब आप ड्यूटी पे हो तो उस टाइम पे जो काम हो रहा है उसकी रिस्क असेसमेंट भी होनी चाहिए, फिर पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या यूज होते हैं, इंसिडेंट के डिफरेंट सीन आपको सिखाए जाते हैं या उसके बारे में बताया जाता है। मॉड्यूल नंबर 8, डीलिंग विद इमरजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज के साथ आपने डील कैसे करना होता है, सिविल डिफेंस, दुबई पुलिस, एम्बुलेंस और सीआईडी के साथ आप कैसे डील करते हो, आपके साथ उसकी रिलेशन कैसे होनी चाहिए, आपने उसको अप्रोच कैसे करना होता है, और इसके साथ भी क्राउड कंट्रोल भी इसी में आ जाता है कि आपने किस तरह क्राउड कंट्रोल करना होता है। मॉड्यूल नंबर 9, रिक्वायरमेंट फॉर डीलिंग विद फायर एंड सेफ्टी, कि नेचर क्या होता है फायर का, नेचर के बारे में बताया जाता है, 3 एलिमेंट्स ऑफ फायर उसके बारे में बताया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर्स होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कौन से उस पे यूज होते हैं, फिर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आपने यूज कैसे करना होता है, इसके बारे में ट्रेनिंग भी होती है, पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है फिर इसमें ट्रेनिंग भी आती है, और अगर आप फायर को डिस्कवर करते हो, अगर आप अपनी लोकेशन पे हो और फायर हो जाता है आपने उस टाइम पे क्या करना होता है। यूनिट नंबर 4, इसमें भी 3
मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल नंबर 10 कम्युनिकेशन एंड कस्टमर केयर, आपने कैसे क्रिएट करना होता है अपना प्रोफेशनल इमेज जब आप ड्यूटी पे होते हो। टाइप्स ऑफ बिहेवियर, किसी को आपने कैसे जज करना होता है, उसके बिहेवियर के हिसाब में आपने उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना होता है। कोड ऑफ कंडक्ट, आपके ड्यूटी पे कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, आपने उसको कैसे हैंडल करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर केयर और एथिक्स इन सिक्योरिटी, वो क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। मॉड्यूल नंबर 11 इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मेरी नजर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होता है, क्योंकि हम अपनी कंट्रीज में आते हैं, हमको इधर के एनवायरनमेंट का उस तरह का पता नहीं होता, इस वजह से इसको बहुत ध्यान से, और अगर दूसरे कोई बुक या आप कोई यूट्यूब से वीडियो भी देखते हो तो कम्युनिकेशन के बारे में लाजमी वीडियोज देखें। डिफाइन करते हैं कम्युनिकेशन की क्या है, मेथड क्या होता है, बेस्ट मेथड क्या होता है कम्युनिकेट करने का। फिर उसमें रिपोर्टिंग भी आ जाती है कि किस तरह आपने ईमेलिंग करना होता है, रिपोर्ट कैसे लिखना होता है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन आपको पढ़ाया जाता है, फिर रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग पे भी डिटेल में बात होती है। मॉड्यूल नंबर 12 कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉमन कॉजेस क्या होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, वो एम्प्लॉयज के साथ भी हो सकता है, वो गेस्ट के साथ भी हो सकता है, एज अ सिक्योरिटी ऑन ड्यूटी आपने उसको कैसे डील करना होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट को आपने अवॉइड कैसे करना होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो जब आप ऑन ड्यूटी होते हो, और सबसे लास्ट में डील कैसे करना होता है कॉन्फ्लिक्ट के साथ। यूनिट नंबर 5 जिसमें फर्स्ट एड आ जाता है, फर्स्ट एड आपको सिखाया जाता है, आपको उसके बारे में समझाया जाता है कि आपने अगर कोई फर्स्ट रिस्पॉन्डर, अगर किसी को चोट लग जाती है, छोटा हो बड़ा हो, आपने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि अगर कोई गिर जाता है आपने उसके साथ कैसे डील करना होता है, छोटी छोटी जो इंजरीज होती है आपने उसके साथ डील करना होता है। ये सारी चीजें आपको बाकायदा डिटेल में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है फर्स्ट एड का। मॉड्यूल नंबर 14 पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन POD, ये अभी रिसेंटली एड हुआ है, रिसेंटली मतलब कि तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं जब ये टॉपिक सीरा की ट्रेनिंग में एड हुआ है, कि आपने जो लोग माजूर होते हैं, जो डिसेबल लोग होते हैं, आपने उनके साथ कैसे डील करना होता है। मॉड्यूल 15 जिसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, उस पर भी वीडियो बनाएंगे बहुत डिटेल में, सिर्फ आपको बताने के लिए इधर मेंशन कर रहा हूँ। मॉड्यूल 16 में आपको फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, आपने फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करना होता है, आपने फायर ब्लैंकेट को कैसे यूज करना होता है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन से फायर के लिए यूज करना होता है, ये सारी चीजें आपको उस ट्रेनिंग में बताई जाती है। मॉड्यूल नंबर 7 रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट सबसे लास्ट में होता है, लास्ट डे आपके जो 5वां दिन होता है ट्रेनिंग का, उस पे रिटन टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे होता है, आपको एक पासवर्ड, आपका नंबर, उसके हिसाब से आपको पासवर्ड मिलता है, आप अपने कंप्यूटर पे जाते हो, एक डिजिग्नेटेड एक कंप्यूटर आपको दिया जाता है, आपने उस पे ही टेस्ट देना होता है, और जब वो बोलते हैं कि स्टार्ट, तो फिर आप स्टार्ट करते हो। ये सारे जो टॉपिक्स है या मॉड्यूल्स है, ये पढ़ाए जाते हैं सीरा की ट्रेनिंग में। अगर आप इन सब टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें, ताकि मैं उस पर काम करना शुरू करूं। थैंक यू वेरी मच।